কেছে পারিছে কেছে পারিছে মা কিছ না বাপু কি বাত হ্যায় আজ জলদি আ গয়ো তেরি অকল থোড়ি হুঁ জো দের সে আয়েগি ইয়ো বতা খানে মে কে বানায়া বাপু দাল চাওল বানায়া হ্যায় রোজ রোজ দাল চাওল অর কুছ কব সিখেগি কে বলুঙ্গা সসরাল ওয়ালোঁ কো কে সিখায়া বেটি নে ਬਾਪੂ ਮੈਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚੋਖੋ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਰੋਇਨ ਨਾ ਬਣ ਘਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਸੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਈ ਛੋਰਾ ਦੇਖਣੇ ਗਿਆ ਥਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰੀ ਛੋਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਅਬ ਆਰ ਮਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਮਾਂ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕ ਬਕ ਕਰ ਲੇਵੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਉਮਰ ਚਾਹੀਏ ਤੈਨੇ ਦੇਖ ਛੋਰੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸਸਰਾਲ ਮੇ ਕਰੀਏ ਅਬ बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूं तेरे पैर ना मैंने यहीं तोड़ देने हैं एहसान मान जो अब तक जिंदा है तू कहीं बचपन में गला दबा के मार दिया होता ना तो ये बक बक ना सुननी पड़ती आज ताने सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू अब और किस किसनो मारेगा मुझे जबान चलावे है मुझे जबान चलावे है बापू हा? बापू कान खोल के सुन ले छोरी बापू जिस घर में तेरी माँ की एक ना चाली तेरी कहाँ से चलेगी और जो जबान यहाँ निकले है ना ससुराल ना निकाल दियो नहीं तो जिंदा फूंक देंगे अरे भगवान से एक बेटा मांगा था और के दे दिया घर का दीपक होते हैं बेटे बापू बेटे भले घर का दीपक हो मगर रोशनी बेटियां भी कम ना देती हैं जे किताबों का कीड़ा ना तेरे दिमाग में ज्यादा घुस गया देख जे किताबें डिग्रियां किससे जे 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 किताबें डिग्रियां जे सब ना छोरों के हाथ ठीक लागे छोरियों के हाथ मेहंदी ठीक लगती है समझी ये तेरी किताबें इनका तो मैं आज किताब काम तमाम कर दूं ए छोरी बहुत होगी पढ़ाई लिखाई जी चौधरी साहब जी जी वो पानीपत और रिश्ता पक्का कर दीजिए छोरी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया है बापू मेरे शादी ना करनी बापू बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहूं बापू छोरी कुछ पढ़ना है तो पढ़ लेकिन सारी उम्र बापू की छाती पे बोझ बन के बैठेगी देख ब्याह तो तेरा होगा और रिब तो कल की कल होगा राम 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 अरे दारू पी के तन्ने तो अपनी जिंदगी खराब करी ली है एक छोरी थी थारी वो भी तन्ने छोड़ के भाग गई भगवान का शुक्र अदा कर मौत के मुंह से बचाया तन्ने डॉक्टर साहब ने डॉक्टर डॉक्टर साहब मने मिलना है डॉक्टर साहब से अरे डॉक्टर साहब नहीं डॉक्टर मैडम ये डॉक्टर मैडम आ गई मैडम डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरी जान बचा ली मैं गरीब बदले में आपने के दे सकूं वचन कि कभी बेटियों को ये नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर सकती हैं के मैडम
पहचाना नहीं बापू, जिसके लिए तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ ना सोचा। जोरदार तालियां उन बच्चों के लिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, इतना भाव विभोर वाला परफॉर्मेंस था इन लोगों का। इन्होंने समाज में चल रहे एक कुरीति एवं कुरिवाज के बारे में बताया है। मैं कुछ पंक्ति इस पे कहना चाहूंगा कि बेटी घर की रोशन करने वाली लौ होती है, भाई का माहौल क्रिएट करती है, एवं जिस घर में अगर कोई बेटी पढ़ी लिखी है तो वो घर में कभी मूर्खता नहीं आती। हर एक आदमी शिक्षित होता है। आप किताबें खोल के या आस पड़ोस के किसी भी घर में देख लीजिए, अगर कोई भी महिला शिक्षित है तो उसके हर एक घर का पुरुष या स्त्री शिक्षित होगा। तो इस कहानी में हमें ये सीख मिलता है कि जो बेटी है, बेटी भी बहुत आगे जा सकती है, एवं बेटी भी किसी से कम नहीं है, बेटी भी पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर चल सकती है। लेकिन हमें जरूरत क्या है, हमें जरूरत है सिर्फ मौका देने की। आप उन्हें मौका देके देखिए वो कैसा कर रही है, वो कैसे कर पा रही है। हम मौका देते नहीं, पहले ही हम अपने आप में पूर्व धारणा बना लेते हैं कि बेटी या महिला जो है किसी काम को कर नहीं पाती। एक बार मौका देखिए, फिर देखते हैं कि बेटी भी जो है वो आगे बढ़ सकती है।